नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते बाल बाल बची है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाने की खबर मिली है। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकते रोकते ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया और ट्रेन डिरेल करने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल आरपीएफ ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस हादसे की साजिश रची गई थी, लेकिन इस हादसे को रेलवे के ड्राइवर की वजह से, उसके सूझबूझ की वजह से नहीं होने दिया। हम आपको बता दें, LPG सिलेंडर से टकराई थी कालिंदी एक्सप्रेस और समय रहते ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने, जिसकी वजह से डिरेल होते बाल बाल बच गई ये एक्सप्रेस। 22 मिनट तक खड़ी रही कालिंदी एक्सप्रेस। इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, कोई बड़ी साजिश थी, अब इसे लेकर जांच की बात हो रही है। बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से इस पूरे हादसे की साजिश रची गई, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर आखिर कहां से आएगा सिलेंडर, यानी किसी ने जानबूझकर यहां पर सिलेंडर रखा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साजिश है, शरारत है, ये जांच का विषय है। मगर इस पूरे मामले में अधिकारियों को भी अब चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जनपदों के रेलवे ट्रैक पर इस तरह के ऑब्स्ट्रैक्ट रखना, कानपुर के साबरमती की बात की जाए या कायमगंज में जहां लकड़ी का लट्ठा, और या बात की जाए LPG सिलेंडर, निश्चय अब अधिकारियों को भी होश फाकता कर दी कि आखिर सिलेंडर हुआ LPG का रेलवे के ट्रैक पर कैसे पहुंचा। अगर बात की जाए 43 नंबर शिवराजपुर, जहां ये प्रकरण हुआ है, ये कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के निकलने के बाद ड्राइवर को लगा कि कोई एक ऑब्स्ट्रैक्ट पड़ा, उसने इमरजेंसी ब्रेक मारी। इमरजेंसी ब्रेक लगाते लगाते जब तक वो समझ पाता, ट्रैक लगा पाता, सिलेंडर को हिट किया, ड्रैग्ड आउट हुआ और साइड में जाके गिरा। और ऐसे में गनीमत ये रही कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर सिलेंडर्स पे अगर फोर्स होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी गैस होती है, अगर इस पे जरा सा भी फोर्स लगता है तो ब्लास्ट होता है। ट्रेन की स्पीड 80 से 100 के बीच की बताई जा रही थी, और ऐसे में 80 की स्पीड से कोई चीज हिट करती तो ब्लास्ट होता। अब ये जांच का विषय है कि ये भरा था कि खाली, और दूसरा इसमें किसी की शरारत है या साजिश। अगर ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस की माने तो हर बिंदु पर पुलिस जांच करेगी। GRP, RPF और लोकल पुलिस लग गई है, क्योंकि अभी पूर्व के कुछ दिनों में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में हुए हादसे में SIT की टीम के गठन की अभी रिपोर्ट ही पूरी तैयार नहीं हो पाई थी, कि उसी रेडियस से मात्र 14 किलोमीटर दूर पर ये इज्जत नगर डिपो में पूरा मामला आता है, इज्जत नगर डिवीजन का ये पूरा मामला आता है। अलग अलग डिवीजन पर ये क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, क्योंकि अगर साबरमती की बात की जाए तो ये NCR वाला का मामला था। अगर हम कायमगंज की बात करें तो ये आता है इज्जत नगर डिपो में, और अगर कानपुर के इस प्रकरण की बात करें तो कानपुर से 30 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर आया कहां से, LPG भरा। बिल्कुल अमित गंजू, तो ये कोई सहयोग नहीं हो सकता है। हालांकि ये क्या है इसके पीछे, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया, और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर RPF के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो